Students, see the question number 2. Question is given to you. You have to read in your book. Use the factor theorem. Exercise 2.4. यहाँ divisor का name of the divisor is dx. थ्री थोड़ा बड़ा है, 2 का 3 बता रहे हैं, 2 का 3. 1, 2 तो आसान है आपको, है ना, थोड़ा सा हम 3 बता रहे हैं आपको. स्टूडेंट हाँ यहाँ देखिए 3, 2 का 3. देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, इज जी एक्स ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. इसका हिंदी अनुवाद भी समझिए यार, कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है. हम इंग्लिश में भी लिख दिया आपको कि इज जी एक्स ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. पी एक्स का दिया हुआ है, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. एंड जी एक्स इज ऑल्सो गिवेन टू यू, x माइनस 3. x माइनस 3 स्टूडेंट, आई हैव टू डिवाइड. देखिए यहां आपको है x माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. इट इज कॉल्ड डिवाइजर. माइक रेफ्लेक्स आर स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड डिवाइजर. x माइनस 3 विल बी कॉल्ड डिवाइजर. x क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 विल बी कॉल्ड इन इंग्लिश डिविडेंड. तो हिंदी में कहते हैं भाग. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग भाग बोलते हैं. इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइडर बोलते हैं. और जो डिवाइड देके आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वोशेंट बोलते हैं. इसको हिंदी में भागफल बोलते हैं. और जो बच जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. देखिए एक्स स्क्वायर से दीजिए आप, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर. You have to subtract. You know very well, you have to change the sign. X cube is plus. There is no sign. You must understand it is positive. X cube is positive, then you have to change the sign minus. 3x square is minus, then you have to change plus. Plus. X cube plus x cube or minus x cube will be subtracted. Minus 4x square or plus 3x square will be. कितना हो जाएगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. कितने से दे बोलिए आप, हमको लाना है आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. यहां कितना हो जाएगा आपको, माइनस 3 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस 3x. निशान चेंज कर रहे हैं, माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6. अब पूरी आपको माइनस 2 में x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा, जो घटाता हम चाहे आपको 1 में से 1 में से 10 को घटाओगे तो क्या बोलोगे, माइनस 9 बोलोगे. तो यहां है कि x प्लस में है, x मीन्स 1x. आई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3x, देन इट मीन माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2 से माइनस 2x. अब माइनस 2 को प्लस 3 से करेंगे तो ये प्लस 6 आएगा. निशान चेंज कर देंगे थोड़ा जगह, हाँ देखिए ये प्लस हो गया और ये कट गया. रिमाइंडर जब कट गया देर यू मस्ट अंडरस्टैंड रिमाइंडर इज नॉट नथिंग जीरो, देन यू हैव टू कंफर्म के यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कुछ भी बच जाता, तो आप कभी नेवर यू हैव नॉट टू गिव द आंसर सर नो, जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स. आप लिख सकते हैं, हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी लिखिए. अब तो कल ही बताया था आपको कि आपको ज्यादातर मैथ्स में जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं और जो है हिंदी मीडियम स्कूल स्टूडेंट, तो ज्यादातर मैथ्स में यूज करते हैं वही इंग्लिश वर्ड. तो आपको और भी पड़ता है कि यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, और नहीं तो अदरवाइज If you want to write,
इन हिंदी देन वी विल हैज यस हां सर जी एक जो है एक्स का गुणनखंड है। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? जो क्वेश्चन रह गए हैं आपको उसको आप सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज इफ यू वांट टू आस्क नेक्स्ट क्लास है ना, आई शैल सॉल्व क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई एट होम, नेक्स्ट चैप्टर विल बी गिवन टू यू।